पटाखे लाओ मना लगाते तब तक नारे वारे गल्ला गल्ला है पटाखे मशीन लगाओ अंदर लगाओ आ जाओ अंदर लगाओ जीतेगी भाई जीतेगी विकास आगाड़ी जीतेगी देश का नेता कैसा हो शरद पवार जैसा हो देश का नेता कैसा हो अरे जम गया शरद पवार शरद पवार देश का स्वाभिमान करे पुकार करे पुकार शरद पवार शरद पवार इंडिया तो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं शरद पवार सर्वांचा इंडिया गाड़ी चा विजय हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा विजय हो महाविकास आघाड़ी चा विजय हो महाविकास आघाड़ी चा विजय हो शरद पवार जैसा हो नेता कैसा हो महाविकास आघाड़ी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी अब की बार अब की जनता करे पुकार अब की बार अरे एक मिनट उधर आधे जाओ पहले उधर आगे आंदो बड़ा देश की जनता करे पुकार संविधान कौन बचाएगा बढ़िया बढ़िया संविधान कौन बचाएगा लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है आना शुरू है और जो अभी बाकी है लेकिन महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी की जो स्थिति निर्माण हुई है हम देख रहे हैं उसमें राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को जो है अच्छा खासा यहां पर जो है लोगों ने पसंद किया ऐसा दिखाई दे रहा है। आज उसी श्रृंखला में जो है नागपुर स्थित कार्यालय में जल्लोष मनाया गया है। हमारे साथ दुनेश्वर पेठी जी, उनसे हम जानेंगे। सर क्या बताओगे, जीत का जश्न था? जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी को जो यश मिला है वो यहाँ पे महाराष्ट्र जनता का बहुत बहुत हम लोग आभारी है। जो पार्टी को कुछ एक महीने के पहले जिन लोगों ने तोड़ा उसी के चार महीने के बाद में छः महीने के बाद में वही पार्टी नए सिरे से उभर के, यानी हमने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आदरणीय हमारे शरदचंद्र पवार साहब के इनके नेतृत्व में यहाँ पे सिर्फ 10 सीटें लड़े थे। 10 सीटों में हम 7 से 8 सीटें यहाँ पे जीतने की आज पूरी ये दिख रही है। तो आज महाविकास आघाड़ी को वैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब कांग्रेस इनके सारे महायुति के नेताओं का भी बहुत बहुत आभारी है कि जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हमारे को यश मिला और आगे में ये जनता आगे ऐसे जिस प्रकार से ये पार्टी फोड़ने वाले लोगों को आगे आने वाले इलेक्शन में और इनको सबक सिखाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि जो रणनीति राजनीति हुई थी महाराष्ट्र में उसके बाद जो ये लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें जो लोगों का रुझान दिखा, क्या बताओ? पूरे देश के स्तर पर इंडिया अलायंस का गठन हुआ लेकिन महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई उसका खास नतीजा महाराष्ट्र में देखने को मिला है। 3 पार्टी अलग अलग थी, शिवसेना को फोड़ के शिंदे गट अलग हुआ, उसके बावजूद भी उद्धव साहब ने और वैसे उसी तरह शरद पवार साहब ने जिस तरह से ये दोनों नेताओं ने सामने आके कांग्रेस को साथ में लेके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार था वो ख़त्म करने की कोशिश जिस तरह से यहाँ पे हुई और मतदाताओं ने उसको पूरा सहयोग दिया, आज हम सारे मतदार जो है हमारे जिन्होंने हमें मतदान किया, महाविकास आघाड़ी को मतदान किया, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।
हमने कुछ दिन पहले देखा था कि अनिल देशमुख इनके घर के सामने एक बैनर लगा था, उसमें महाराष्ट्र चमत्कार घड़ेल ऐसा वो बैनर था, तो यही वो चमत्कार है? ये वही चमत्कार है। तब से जनता में हमारे अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के तरफ जो झुकाव था, वो झुकाव दिखते ही पहले टप्पे में दूसरे टप्पे में ऐसा समझ में आ गया कि यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी को बहुत ज़्यादा अंतरों से यहाँ के सारे उम्मीदवारों को जिताने का मंसूबा जनता ने बना लिया, इसलिए वो बैनर भी उस टाइप का लगा हुआ था। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो स्थिति थी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव से पहले और आज का वो दिन है, आज जो जल्लोष मनाया जा रहा है, क्या बताओ? हमको पूरा विश्वास था कि आने वाले समय में हम ही जीत कर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, तोड़फोड़ की राजनीति, लोगों के घरों में उन्होंने जो तोड़फोड़ करके राजनीति की है, ये जनता के सब समझ में आ गया है। जनता पहले ही सभी विषयों से त्रस्त थी, उसमें फिर तुम्हारा इसका किसानों का विषय रहो या बेरोजगारी का विषय है, महिला अत्याचारों का विषय है, आज नागपुर शहर में क्राइम बढ़ा हुआ है, ये सब विषय जनता देख रही थी। और ये किस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे भारतीय जनता पार्टी, ये देखकर जनता ने, मतदाताओं ने ये विचार किया था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उनकी जगह दिखानी ही है। और मोदी सरकार ये जो बोलते हैं ना, तो कोई मोदी सरकार इस बार आने नहीं वाली है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद चंद्र पवार साहब है, वो अपना जादू दिखाने वाले थे और उन्होंने अपना जादू दिखा दिया। अभी आपको दिख ही रहा है, हमारे 8-9 सीट तो हमारी है ही, कम से कम 8 सीट तो निकलना है। तो ये हमारी हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। ये हमारी जीत नहीं है, हमारे जनता की जीत है, मतदाताओं की जीत है। और इसी भरोसे हम आने वाले समय में विधानसभा सभा में भी हमारी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी और यहाँ पर महाराष्ट्र में हमारी ही सरकार बैठेंगी, ये हम आज विश्वास के साथ में बोलते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से बताया गया कि ये शरद पवार जो है, उन्होंने ये जादू चलाया है और ये जादू आज दिख रहा है, ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट को जो है 7 सीटें मिली, ये बड़ी जीत जो है यहाँ पे मानी जा रही है और उसे श्रृंखला में आज जो है यहाँ पर जल्लोष किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।